हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। पिछला वीडियो इसी से संबंधित था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुल कितने फॉर्म जो है हर पोस्ट के लिए भरे गए हैं, वैकेंसी कितनी थी। तो यदि आप लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि एक सीट के लिए जो है कितने स्टूडेंट्स से जो है हमें कंपटीशन करना होगा, तो थोड़ा जो है हम लोग तैयारी को मजबूत कर लेते हैं। तो चलिए मेन वेबसाइट पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भी स्टूडेंट ने पहली बार जो है चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि YouTube की तरफ से आप लोगों को समय पर वीडियो मिल सके। इस चैनल पर आप लोगों को जितने भी सरकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचिंग से संबंधित वैकेंसी आती है, एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय पर मिलती है। जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं आपके सामने एक पेज आएगा और यहाँ पर आप लोगों को डेट दिखेगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, TGT, PGT, होस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इनकी जो है एग्जाम की डेट। तो आप लोगों का ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम रहेगा, पेन पेपर मोड रहेगा, ठीक है। तो 16, 17 दिसंबर, 23 और 24 दिसंबर, तो ये जो है चार डेट जो है यहाँ पर आई है, दो शिफ्ट पर डे यहाँ एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो संख्या, एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या जो है काफी अधिक रही है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट भी काफी निकाली गई हैं, प्रिंसिपल की, पीजीटी की, टीजीटी की, ठीक है, होस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की भी कई वैकेंसी है। तो यहाँ चार डेट हैं और आप ये मानकर चलिए 16 दिसंबर जो है वो बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम की डेट है, यही मानकर चलें। रिवीजन का जो टाइम है वो बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो है बिल्कुल सेट कर लें। तो चलिए मेन बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है कितने भरे गए हैं हर पोस्ट के लिए। तो कुल वैकेंसी है यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पर कितना जो है कंपटीशन रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करें, कुल वैकेंसी 2266 है और यहाँ पर लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है, 4.7 लाख जो है बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। यहां पर जो है आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है और 198 स्टूडेंट रहेंगे एक सीट पर, ठीक है। यहां पर जो है कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की अगर हम बात करें तो 5660 जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने फॉर्म जो है नहीं भरे गए थे जब पहली बार जो है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट निकाली गई थी, इसके बाद जो है दो बार जो है एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से भरने की डेट आई और इस वजह से जो है फॉर्म आगे भी जो है भरे गए, क्योंकि सी टेट का जो रिजल्ट है वह भी बाद में आया और इस वजह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट आगे और भी बढ़ा दी गई। यहाँ पर जो है एक सीट पर बहुत कम कंपटीशन था, बट अभी जो है यहाँ पर 62 बच्चे जो एक सीट पर रहेंगे। इसमें भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आधी जो संख्या है यानी 30 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि हमारा जो है सीटेट क्लियर है और उन्होंने तैयारी भी जो है पहले से नहीं की होगी, उनके पास क्वालिफिकेशन है, इस बेस पर उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो कि स्टार्टिंग से ही जो है तैयारी में लग गए, ठीक है। तो 30 बच्चे तो ज्यादा नहीं होते हैं एक सीट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो है ऐसा भी हो जाता है कि अगर वो जो है उसके बाद जो है होस्टल वार्डन की अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल वैकेंसी है 669, 669। यहाँ पर जो है 6.2 लाख बच्चों का जो है यहाँ पर फॉर्म फिल हुआ है और यहाँ पर जो है बहुत अधिक संख्या है, कंपटीशन बहुत अधिक जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1000 बच्चे जो है एक सीट पर आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिलेगा। होस्टल वार्डन में काफी जो है कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए जैसे अकाउंटेंट का, जूनियर सेक्रेटरी का, असिस्टेंट का, लैब अटेंडेंट का, क्योंकि यहाँ पर 10th 12th पास स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर बहुत अधिक जो है संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं। 1600 जो है यहाँ पर वैकेंसी है, 7.5 लाख के लगभग जो है फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 500 बच्चों में जो है कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है
ये आइडिया जो है आप लोगों को थोड़ा लग गया होगा कि हमारे जो है कंपटीशन में कितने स्टूडेंट रहने वाले हैं। तो इसमें जितने भी जो है यहाँ पर आप लोगों को जैसे 198 पीजीटी में, 62 बच्चे टीजीटी में, 1000 जो है हॉस्टल वार्डन में, 500 नॉन टीचिंग में, प्रिंसिपल में 82। तो इनको जो है आप आधा ही मानकर चलें, जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप लगभग समझें कि 40 बच्चे ही जो है यहाँ पर आपके कंपटीशन में रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधी संख्या तो ऐसे स्टूडेंट की होती है जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल फॉर्म ही फिल करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि स्टार्टिंग से ही जो है पढ़ाई में लग जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि सीटेट का वेट कर रहे थे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए फॉर्म फिल किया है उन लोगों ने, तो तैयारी जो है उनकी भी जो है कुछ स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी रही होगी, जो कि लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और जिन्होंने केवल ये सोचा होगा कि रिजल्ट पहले आ जाए उसके बाद जो है हम फॉर्म फिल करेंगे सोचेंगे, तो ऐसे में जो है तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी लेना जो है इतना आसान नहीं है। आप लोगों को 100% देना होता है तब जाके सिलेक्शन यहाँ पर होता है। तो ये थोड़ा आइडिया है यहाँ पर, जिससे कि आप लोग तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। आप बस इतना दिमाग में रखिए कि आप लोगों को केवल एक सीट चाहिए, चाहे वो 1000 बच्चों के बीच में हो, 500 बच्चों के बीच में हो, कितने भी बच्चों के बीच में जो है आप लोगों का कंपटीशन हो, आप लोगों को केवल एक ही सीट आपके लिए पक्की करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।